आज हम बात करते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिनका नाम है सुमन बोदानी और जो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला है जो सिविल जज बनी है। जी हाँ, सुमन कुमारी शहदाद कोट जिले की रहने वाली है और उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी यहीं से की है। इसके बाद सुमन ने जज बनने से पहले कराची में मशहूर वकील रिटायर्ड जस्टिस रशीद रिजवी की फर्म के साथ 2 साल तक काम भी किया। सिंधी समुदाय उनके वकालत में होने का हामी नहीं था, लेकिन उनके पिता ने ख़ानदान की बातों को एक तरफ रखा और हमेशा उनका साथ दिया और भाई बहनों ने भी उनकी मदद की और सुमन को सिविल जज बनने में मदद मिली। जी हाँ, पाकिस्तान की न्यायिक सेवा की परीक्षा में वह 54वें नंबर पर रही और उन्हें सिविल जज तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया गया है। इस तरह से सुमन बोदानी पाकिस्तान में सिविल जज बनने वाली पहली हिंदू महिला है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के सिंध में तकरीबन 45 लाख हिंदू सिंधी रहते हैं। पाकिस्तान में मुस्लिमों के बाद सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की ही है। हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान की जनसंख्या का 2% है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।